जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उस्मान अली। आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। मेरे चैनल का नाम है सफ़रनामा बाय उस्मान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। मैंने अपनी बाइक के लिए एक प्रोडक्ट थी वो अली एक्सप्रेस से मैंने ऑर्डर की थी, वो तकरीबन एक माह के अंदर पहुँच गई है। तो आज मैं उसको अनरैप करूँगा, ठीक है, आज उसकी पैकिंग करूँगा। आएँ अब उसको अनरैप करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी गाइस, फाइनली मैंने इसे अनरैप कर लिया, अनबॉक्स कर लिया। आपने देखा इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी थी, इसके साथ जो इन्होंने मटेरियल जो चीज़ें दी हैं इसको फिट करने के लिए वो भी सारी आपने देखनी है। और अब हम इसे अपनी बाइक ऊपर फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे और आपको इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊँगा कि कैसी इसकी क्वालिटी है, क्या ये आप लोगों को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, ये क्वाड लॉक है। क्वाड लॉक आई थिंक मेरे ख्याल में शायद ये अमेरिकन या इंग्लैंड का ब्रांड है, या पता नहीं आइडिया मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है ये कहाँ का ब्रांड है। ये उसकी कॉपी इन्होंने चाइना वालों ने बनाई है और ये काफ़ी ज़्यादा चीप है। और इसका रेट भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि मुझे ये अली एक्सप्रेस से कितने की मिली और आप उसको किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। और आए अब इसे फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी गाइस, ये देख सकते हैं ये चाइनीज क्वाड लॉक है, ये आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ, ये देखें इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी बनी हुई है। सारा प्लास्टिक का लेकिन काफ़ी मजबूत बना हुआ है, ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये जो इसके अंदर ये डिज़ाइन बना हुआ है ये इसकी मजबूती के लिए बना हुआ है, ये क्रैक नहीं होगा जल्दी। इतनी चीप प्राइस के अंदर आप देख सकते हैं उन्होंने बड़ी अच्छी क्वालिटी दी है। अगर हम क्वाड लॉक की प्राइस, मेरा ख्याल है शायद मैंने किसी जगह पर इसका और क्वाड लॉक का कंपेरिज़न देखा था तो ये $12 का उन्होंने दिखाया था और जो क्वाड लॉक था वो $96 का लिखा हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके साथ फिटिंग के लिए ये इसकी पैकिंग है। इससे क्या होगा, जो आपके हैंडल के ऊपर स्क्रैच भी नहीं आएंगे। अब जैसा मेरा हैंडल है वो मैट में बन लगा हुआ, ये देखें ये रिजोमा का है। अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट प्लास्टिक लगाता हूँ तो स्क्रैच डाल सकते हैं, तो उसके लिए ये अंदर रबड़ की पैकिंग उन्होंने साथ दी हुई है। बहुत अच्छी क्वालिटी है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप अली एक्सप्रेस पे विज़िट करें और इसे लाजमी लें। जी गाइस, आप इसको फिट करेंगे हम लोग। अच्छा, आपको इसको फिट करने के लिए किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसके साथ उन्होंने एलकी भी दी हुई है, तो ये ज़रा छोटी है, इसकी लेंथ कम है। सो इस वजह से जो मैंने अपने टूल रखे हैं मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। ये नहीं जी, ये देखें ये फिट हो चुका है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये आप इसकी मजबूती भी चेक करें, ये देखें ज़रा, ये मैं इसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सॉलिड किस्म का ये फिट हो गया। और इसमें बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा लचक नहीं है कि ये टूटे या ऐसा का कुछ हो इसके अंदर। या मैं इसके ऊपर मोबाइल फिट करता हूँ, ये नहीं, ये देखें इसको मैंने ये फिट कर दिया। अगर आप चाहते हैं, ये इस वक्त पोर्ट्रेट शेप में है, ठीक है, हम इसे इसकी शेप चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसे हॉरिजॉन्टल हिस्सा चुड़ाई में भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। जी गाइस, फाइनली देखें ये मैंने फ़िट कर लिया इसे और ये आप इसकी देख सकते हैं मजबूती भी काफ़ी। ये देखें, ये आप इसका, ये मेरी बाइक का फ्रंट पैनल देख सकते हैं। गए
गाइस, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। मुझे जो इसके अंदर वीक पॉइंट एक नज़र आया वो ये था, मुझे इसके ऊपर बिलीव नहीं है। ये जो मैंने फ़ीमेल इसकी लगाई है, ये डबल टेप के साथ लगी हुई है, तो मुझे इस पर बिलीव नहीं है। तो इसको मैं इंशाल्लाह किसी और गम के साथ या किसी और मैजिक के साथ इसे लगाऊंगा, जो ये मेरे मोबाइल के बैक कवर के ऊपर पक्का फिक्स हो जाएगा। जी गाइस, आपने देखा है मैंने इसे फ़िट कर लिया और आपके सामने इसकी कैसी क्वालिटी है। मैंने आपको इसकी क्वालिटी वगैरह भी दिखाई है। जिस प्राइस के अंदर हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है, मेरा ख्याल है ये प्राइस के साथ जस्टिफाई करता है, ठीक है। और अगर हमारे मुल्क में डॉलर का रेट इतना ज़्यादा ना हो तो ये हमें इतनी भी महंगी ना पड़े। तो खैर, मैं तो इसको हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरे पास इससे पहले जो एजेजे का लगा हुआ था वो भी बहुत अच्छा है। उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा बिल्ट हुआ हुआ है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बिल्ट हुआ हुआ है। तो मैं तो आपको दोनों ही रिकमेंड करूँगा। उसमें सिर्फ मुझे एक वीक पॉइंट नज़र आया था, वो ये कि जब उस पर मोबाइल लेना लगा होता तो वो काफ़ी ज़्यादा ना बाइक चलते हुए वाइब्रेट करता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पैदा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है आप। तो वो इस तरफ से मैं उसको वीक पॉइंट, उसमें एक वीक पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। खैर, वो भी इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर इंस्टॉल करूँगा। ये तो अभी मैंने एक वीडियो बनाने के लिए अपनी एक प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी। और इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अपनी काफ़ी मोटरसाइकिल की मॉडिफिकेशन की वीडियोज़ लगाई हैं, 3 वीडियोज़ हैं। एक वीडियो के अंदर जो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हुई, व्यूज़ के लिहाज से लाइक्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आए, कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए, और एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मुझे मिला। आप लोगों ने मेरी बाइक की मॉडिफिकेशन को बहुत ज़्यादा पसंद किया। अगर आप लोगों ने वो मेरी मॉडिफिकेशन की, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी, वो मेरे चैनल में जाएँ और लाजमी देखें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसके सारे लिंक्स दे दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। एक वीडियो मैंने कंप्लीट प्राइसेस के साथ बनाई है, जो मैंने इसके ऊपर जितना भी इक्विपमेंट लगाया वो सारी हर एक चीज़ की मैंने प्राइस उसके ऊपर उस वीडियो में मेंशन की है, बताई है, तो उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। एक वीडियो मैंने बनाई है एक सिंपल GS और प्लस ये जो मैंने अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन की है, जिसको मैं बोलता हूँ प्रो मॉडिफिकेशन, मैंने अपनी बाइक की जो की है, इन दोनों का कंपैरिजन, इन तीनों वीडियोस को लाजमी देखिएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें। और मैं अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी मॉडिफिकेशन किस जगह से कैसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और मॉडिफिकेशन के हवाले से आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आएँ और मेरे साथ डिस्कस करें, मेरे साथ सवाल करें। आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का लाजमी जवाब दूंगा, हर एक चीज़ का बताऊंगा, जिस तरह से आप जो जानना चाहते होंगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अभी एक मेरे जो YouTube पर सब्सक्राइबर हैं वो झेलम से आए थे, उन्होंने लाहौर आकर मुझसे मुलाकात की और अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन की है। फिर अभी कल एक भाई आए थे, वो सियालकोट से आए थे, उनको मैंने हर किस्म की, जिस तरह की वो हेल्प चाहते थे मैंने उनको हेल्प दी, और उनका जितना भी मॉडिफिकेशन के वाले से स्पेयर पार्ट्स था वो मैं सारा मैंने उनके साथ जाके ख़रीदा, हर चीज़। और इस तरह की कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो इंशाल्लाह आपका भाई हाजिर है, आपकी हेल्प मैं हर तरह से करूँगा। वंस अगेन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें, ताकि मेरी जितनी पाइपलाइन में वीडियोस हैं वो आप बआसानी देख सकें, आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक कीजिएगा, जो आपके फ्रेंड्स बाइकर हजरात हैं उनके साथ भी मेरी बाइक की मॉडिफिकेशन की वीडियोस शेयर करें, ताकि इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी अच्छा कॉन्टेंट बना सकूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।